हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज पे हम लोग टाइप नंबर वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी आपको टाइप वन यानी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है। जब भी आपसे दर निकालने को पूछे यानी दर पूछे, तो दर बराबर होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दर जिसे हम लोग रेट बोलते हैं, तो दर बराबर कैसे सॉल्व करेंगे, दर बराबर होता है दोनों मूलधनों का अंतर। तो यहाँ पर हो जाएगा 714 माइनस 672 अपॉन में पहला मूलधन, पहला मूलधन कितना है हमारा 672 इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारा 42 और अपॉन में आ जाएगा आपका 672 इंटू 100। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करो, 3 2 6 3 2 6 6 2 12, ये 50 हो जाएगा। ठीक है, इसको और डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 2 2 6 12 2 8 16, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 25। इसको 2 से और डिवाइड कर लेते हैं, 21 हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 84 हो जाएगा। कितने टाइम में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 4 टाइम में, यानी आ जाएगा 25/4। अब इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पे अगर डिवाइड कर लें 25/4 से 24, यानी आंसर हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, 1/4%, ये हमारी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी दर। ठीक है, ये हो गया पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, इसी टाइप से दूसरा देखेंगे, इसमें भी वही दिया गया है, हमें क्या करना है, दर ज्ञात करना है। तो दर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, दर जिसको हम लोग स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, दर बराबर क्या होता है कि यहाँ पर दोनों का अंतर ले लेते हैं, यानी 840 माइनस 800 इंटू 100 अपॉन 800, ये कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 40 अपॉन 800 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 4 1 4 4 2 8, रेट कितना आ जाएगा, यहाँ 10 बचेगा यानी 5, ये आपका रेट आ गया 5% आंसर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपये तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपये हो गई, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ब्याज की दर यानी दर बराबर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले दोनों का अंतर यानी 220 और 200, इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो इन दोनों का अंतर हो गया 20। अब क्या हो जाएगा, पहली संख्या यहाँ पर रख देते हैं 200 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 2 से 1 कट गया, आंसर कितना आ गया, आंसर जो हमारा दर आएगा वो 10% आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपए तथा 3 वर्ष में 2662 रुपए हो गई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वार्षिक दर कैसे ज्ञात करेंगे, दर बराबर क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे कि दोनों का अंतर यानी 2662 माइनस 2420 इंटू 100 और अपॉन में क्या हो जाएगा, पहला मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, 2420। सॉल्व कर लेंगे, ऊपर जब हम लेस करेंगे तो कितना बचेगा, बचेगा 242 इंटू 100 अपॉन में 2420, ये कट जाएगा, 242 से 242 कट गया, 0 से 0 कट गया और दर आ गई 10%, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
टाइप टू। टाइप टू में क्या होगा कि किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है तथा साधारण ब्याज 320 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखो टाइप टू में ये होगा कि जब चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए और साधारण ब्याज दिया जाए, ठीक है, और तब क्या करना हो आपको दर निकालनी हो, तो क्या हो जाएगा, दर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर 28 माइनस 320 अपॉन 320 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 100, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष का दिया गया, तो अब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर कितना बचेगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इधर 100 हो जाएगा, अपॉन में 32 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा, 8 टू 16, यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 16 टू 32, और यहाँ पर जो दर आ जाएगी वो 0.5% हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आंसर। यहाँ पर देखिएगा 0.5 नहीं होगा आंसर, इसका आंसर होगा भाई यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर 0 बचा था, ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 5% हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 0 कटा था, 1 0 हमारा क्या था, बचा हुआ था यहाँ पर, ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो गया, इसकी जो दर होगी वो 5% होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है, तो इसमें हम दर कैसे निकालेंगे, तो दर बराबर क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं, यानी चक्रवृद्धि 410 माइनस साधारण ब्याज 400, कितने वर्ष का, 2 वर्ष के लिए, इंटू 100 अपॉन 400, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, ऊपर 10 इंटू 2 इंटू 100, इधर 400, 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 5 10, तो यहाँ पर जो दर आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, वो आएगी 5%, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।